जय हिंद दोस्तों, लोक प्रधान न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। जिस तरह से सोलापुर की आवाम को यह बात मालूम है कि सोलापुर में महानगर पालिका की इलेक्शन की तैयारी काफी जोरों शोर पर है, तो जो इच्छुक उम्मीदवार हैं, जो इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, वो आए दिन लोक प्रधान न्यूज चैनल में आकर अपने ख्याल का इजहार कर रहे हैं, लोगों को कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों के सामने अपने इलेक्शन लड़ने के मुद्दे रख रहे हैं। तो इसी तरह आज हमारे स्टूडियो में हमारी दावत को कबूल करते हुए शोएब चौधरी, जो के प्रभाग 21 के महानगर पालिका के इच्छुक उम्मीदवार हैं और उनकी पार्टी है MIM, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन। तो शोएब चौधरी का हम सबसे पहले लोक प्रधान न्यूज चैनल में इस्तकबाल करते हैं। शुक्रिया गफ्फर भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमें यहाँ पे इनवाइट किया और हमारे ख्यालात का इजहार करने का हमें मौका दिया। तो बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए चौधरी साहब से हमारा सबसे पहला सवाल ये है कि आप स्टूडियो में पहली मरतबा आए हैं और अपनी मुलाकात पहली मरतबा दे रहे हैं, नाजरीन के सामने, अवाम के सामने आप पहली मरतबा कैमरे के जरिए है, तो सबसे पहले सवाल हमारा ये है कि आपका एजुकेशन कहाँ तक हुआ है? मेरा स्कूल का एजुकेशन द प्रोग्रेसिव एजुकेशन सोसाइटी उर्दू हाई स्कूल 10th तक हुआ है। 10th में मैंने 78% लिए, फिर उसके बाद गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक से डिप्लोमा किया IT में, उसके बाद बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी फ्रॉम पुणे। तो आज के वक्त में आपके कारोबार जरिए माश क्या है? आज का वक्त कुछ फैमिली प्रॉब्लम्स और फैमिली हालात की वजह से पुणे छोड़ के मुझे सोलापुर आना पड़ा 2010 में। तो तब से अभी तक जो भी अपने क्लीनिंग मटेरियल्स आते हैं, हाइजीन और क्लीनिंग मटेरियल्स, फॉर एग्जांपल फिनेल, हैंड वॉश, टॉयलेट क्लीनर वगैरह, वो मैन्युफैक्चरिंग करके हम सप्लाई करते हैं और गवर्नमेंट के कुछ टेंडर्स आते हैं वो भी लेते हैं। तो जैसा कि सभी को मालूम है कि आप प्रभाग 21 से इच्छुक उम्मीदवार हैं, तो आपका जो सियासी सफर है उसके तालुक से हमें कुछ बताएं। सियासी सफर तो ऐसे एक्चुअल में सियासत में आया कोरोना में। समाजकरण या समाज के लिए काम करना, ये मुझे मेरे स्कूल के टाइम से, मेरे असातजा से, मेरे पेरेंट्स से मुझे ये मिला। तो फिर मैं, कि हम जिस समाज में रहते हैं उस समाज में हम कुछ तो देना अपना होता है, अपना कंट्रीब्यूट करना होता है, इसलिए मैं समाज के लिए काम करते आया। लेकिन 2020 में जब कोरोना का काल शुरू हुआ, तब मैं लोगों के हालात देखा और हमारे क्या बोलेंगे उसे, हमारे लीडरान, हमारे जो नुमाइंदे हैं, हमने जिसको इलेक्ट करके दिया उनको देखा, तो वो मुझे बहुत दूर दूर तक दिखाई नहीं दिए। इसलिए मुझे लगा कि अब मुझे सियासत या राजकारण में आना चाहिए लोगों की खिदमत करने के लिए। तो जैसा कि पेंडेमिक जब शुरू हुआ, वो हालात में आपको रियलाइज हुआ कि आपने भी समाज सेवा में उतरना चाहिए? यस यस, मैंने तब राष्ट्रवादी कांग्रेस ज्वाइन की 2020 में, शरद अपना संतोष बाबू पवार के अंडर मैं काम किया शहर उपाध्यक्ष बोलकर राष्ट्रवादी का। तो उस वक्त 2020 की अगर बात करें, आप जो वक्त बता रहे, जो दौर बता रहे, उस वक्त कहीं ना कहीं वहां पर तौफीक शेख MIM से मजबूत थे और उस वक्त आपने राष्ट्रवादी चुनी, तो राष्ट्रवादी उस वक्त चुनने की वजह क्या थी? बी सिंपल, मुझे इलेक्शन लड़ना था। MIM में तौफीक भाई शेख थे, तो मुझे पता था कि इनके अपोज में लड़ना है, या मतलब तौफीक भाई के अपोज में नहीं, एक कैंडिडेट है नगर सेवक है उनके अपोज में लड़ना है, तो मुझे अपोज की पार्टी चुननी है, तो मुझे राष्ट्रवादी का जो मामला है वो ठीक लगा, राष्ट्रवादी ज्वाइन की मैंने। तो उस वक्त आपने राष्ट्रवादी चुनी, आज के वक्त में आपने MIM चुनी हुई है, तो MIM में प्रवेश आपने कब किया? 2022 अगस्त में। तो दो साल का सफर आपका राष्ट्रवादी के साथ रहा और 2022 अगस्त में आपने MIM को चुना। यस। तो MIM को जब आपने चुना, तो आपको MIM की तरफ से ऑफर आया था या फिर आपने खुद MIM को तरजीह दी? मैंने खुद MIM को तरजीह दी। एक्चुअली ऑफर्स तो बहुत थे, शिवसेना से भी था, कांग्रेस से भी था, लेकिन जब मामला देखे और अपने लोगों के लिए लड़ने वाली कोई पार्टी है, अपने लोगों के लिए मतलब मैं किसी समाज के विरोध में बात नहीं कर रहा हूँ, मैं मेरे समाज के लिए बात कर रहा हूँ, तो अपने समाज के लिए कोई अगर हक की आवाज़ उठा रहा है तो MIM थी, तो इसलिए MIM को तरजीह दी और MIM को ज्वाइन किया
और उसके अलावा और एक चीज, MIM को जो लीड कर रहे थे इस वक्त फारूक भाई शाब्दी, एक अच्छा आदमी है, साफ कैरेक्टर आदमी है। हमारे को ऐसा लगता है कि मुझे ऐसा लगता है कि हमारा नुमाइंदा, हमारा इलेक्ट किया हुआ, हमको रिप्रेजेंट करने वाला बंदा साफ कैरेक्टर होना चाहिए। तो इसलिए ज़्यादा तरजीह MIM की तरफ रहा और MIM को ज्वाइन किया। एक सवाल ऐसा आता है कि फारूक शाब्दी से इंस्पायर होकर आपने MIM ज्वाइन की या फिर पार्टी को देखते हुए आपने MIM ज्वाइन की? पार्टी प्लस फारूक शाब्दी। पार्टी प्लस फारूक शाब्दी, ठीक है। तो आज आपके और फारूक शाब्दी साहब के ताल्लुकात किस तरह के हैं? बड़े भाई जैसे हैं मेरे, तो वो तो सबके बड़े भाई ही है। नहीं मुझे भी लगता है मेरे बड़े भाई हैं, जैसा मेरे साथ रहते हैं मेरे को। मतलब हर टाइम मैं अगर कोई काम करना चाहता हूँ तो मुझे जिस तरह से वो गाइड करते हैं, मुझे जिस तरह से वो प्रोत्साहित करते हैं, तो हमेशा बोलते भी हैं मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ। हाँ, वो तो MIM का जो भी कार्यकर्ता है वो अच्छी बात कार्यकर्ता है भी ना, MIM अच्छी के बात है। तो बड़े भाई इतना है। बड़ा तो दिल है, सबको छोटे भाई बना के चल रहा है, मतलब बंदा भारी है। आप फारूक शाब्दी से ज्यादा इंस्पायर होकर MIM ज्वाइन किए? नहीं वैसा मैं ऐसा अभी अभी आपको जस्ट बोला, MIM प्लस फारूक शब्दी। तो आपके जो 3 साल का तकरीबन आपका सियासी सफर है, तो ये 3 साल में आपने जैसा कि बताया कि समाज सेवा के लिए आपने सियासी मैदान में उतरे, तो सही है। ये 3 साल में आपने क्या समाज सेवा की? एजुकेशन लाइन में किया, बहुत सारे बच्चों को एजुकेशन के हद तक गाइड किया, बहुत सारे बच्चों की फीस का इंतज़ाम किया। फिर उसके बाद सब में जो बेसिक मसला है अपना आरोग्य का, तकरीबन राष्ट्रवादी में रहते हुए भी आरोग्य शिविर लिए, MIM में आने के बाद भी आरोग्य शिविर लिए। फिर उसके अलावा समाजकरण के अंदर जो आता है, हमारे जो बेसिक काम है गटर साफ करने से लेके, हमारे मुस्लिम इलाकों में, मैं मुस्लिम मुस्लिम इसलिए कर रहा हूँ कि मेरे को लगता है कि आज हम पिछड़ रहे हैं। तो मुस्लिम बहुल इलाकों में ना कुत्तों की तादाद भी ज्यादा है, आवारा कुत्तों की, दूसरे एरिया के मुकाबले। तो उसको रुकाना, गटर साफ करके लेना, रास्ते का गंदगी साफ करके लेना। फिर सब में बड़ा तो अचीवमेंट परसों रहा, 1 महीना नीचे, बहुत दिनों से उसके पीछे लगा था, आसरा से लेके लोकमान्य नगर और साईनाथ नगर को जोड़ने वाला रास्ता। बहुत सालों से नगर सेवक चेंज हुए दो तीन, लेकिन रास्ता किसी ने नहीं बनाया। तो वो रास्ते का काम 70 लाख रुपए तक का निधि मैंने झगड़ कर लाया है। कहाँ से? मुख्यमंत्री धूलमुक्त योजना में हमारे तत्कालीन आयुक्त पी शिवशंकर साहब ने वो मुझे निधि में दिया, और मुझे गुस्सा करके बोला कि आपको निधि दे रहा है, मैं दे रहा हूं, इसके बाद अब मेरे सामने आओ मत आप। तो जो आपने बताया कि 2-3 नगर से जो भी थे, तो वो क्यों नहीं ला सके ये निधि? अभी उनको लगा रहेगा कि ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है काम, मुझे तो लगता नहीं कि उन्होंने कुछ काम किया है। आज हमारा एरिया देखो, हद्दोवाड़ी विभाग, जुड़े सोलापुर और नई जिंदगी दोनों एक साथ हद्दोवाड़ी विभाग में आए। आज आप जुड़े सोलापुर में चक्कर मारो और अपने एरिया में चक्कर मारो, तो कौन से नगर सेवक ने कितने काम किए? वहां भी लोग रहते हैं, वहां भी लोग म्यूनसिपल टैक्स भरते हैं, हम भी म्यूनसिपल टैक्स भरते हैं। सियासी तौर पर कमजोरी, या क्या कहेंगे उसे, हमारे नुमाइंदे मजबूत नहीं है हमारे काम करने के लिए, या फिर उनके पास कोई विजन नहीं है काम करने का। इसलिए मुझे लगता है कि ना हमारे रास्ते साफ हैं, इवन हमको पीने का साफ पानी भी मुहैया नहीं हो रहा हमारे मुस्लिम बहुल इलाकों में। सब में ज्यादा डेंगू के आज के डेट में पेशेंट हमारे पास निकलते हैं जरा भी बारिश होने के बाद। तो हम कहाँ कामयाब है? ब्रह्मदेव नगर में जाओ, पिछले 20 सालों से पानी भरता है, 20-25 सालों से बारिश आएगी, हर घर में पानी। कौन करना चाहिए काम, यह कौन करेगा? हमको ही करना पड़ेगा ना। हमने जिसको निवड़ कर दिया, हमने जिसको इलेक्ट करके दिया, वही लोग काम करना चाहिए, हम किसके पास जाएंगे? तो इनको चेंज करना पड़ेगा ना, 15-20 साल से चांस दे रहे हैं इनको। तो आज ही चेंज करने की नौबत क्यों आई? क्योंकि शोएब चौधरी मैदानी सियासत में उतरा इसलिए। हाँ ऐसा नहीं कि मेरे बदला, अगर मेरे से अच्छा कोई है तो बेशक वो करे। लोगों को अगर लगता है कि मेरे से कोई अच्छा है, अरे यार इसका ख्याल अच्छे हैं, इसके पास कोई विजन है, इसके पास कोई उद्देश्य है, कोई ध्येय है, अगर वो उतना अच्छा काम करने के लायक है तो लोग उसको इलेक्ट करें। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि मेरे को दो मेरे को दो, लेकिन चेंज करो यार, चेंज करो बस ना। पुराने लोग, पुराने ख्यालात, पुरानी वही बातें, तुम कब चेंज करने वाले? हमारे नई जिंदगी या लोकमान्य नगर को आने का एक रास्ता सीधा नहीं है यार, एक रास्ता, सब रास्ते खराब है। तुम क्या काम करते फिर? कुछ भी नहीं।
शोएब चौधरी जब मैदानी सियासत में उतरे हैं या फिर आने वाले इलेक्शन में अपने इच्छुकता जाहिर कर रहे हैं लड़ने के लिए इलेक्शन, तो इलेक्शन लड़ने के लिए शोएब चौधरी के क्या विजन है और क्या मकासिद है? विजन एक ही है कि हमारे लोगों का जिंदगी की जीने का मियार ऊंचा हो जाए, मतलब इनको पीने के लिए साफ पानी मिले, अच्छी साफ सड़कें मिले, ड्रेनेज लाइन सीधी हो। इन्होंने बोलना नहीं चाहिए, ड्रेनेज लाइन हमारे यहाँ है बहुत जगह, लेकिन इन्होंने कमीशन खोरी के चक्कर में ड्रेनेज लाइन जहाँ पे 8 इंच की होनी चाहिए वहां पे 4 इंच की डाली है शायद। हर बारिश में, अब बारिश तो छोड़ो, जिस दिन पानी आता है हमारे पास उस दिन भी ड्रेनेज ओवरफ्लो के रास्ते पर पूरा ड्रेनेज का पानी रहता है। क्या फायदा उस ड्रेनेज लाइन का? हमारे पास पानी, बारिश का पानी आता है, स्ट्रॉम वाटर का नियोजन नहीं है, सीधा हर घर में पानी घुसता है। क्या कर रहे हैं आप? बेसिक जरूरत बोल रहा हूं, इससे ज्यादा कुछ नहीं। अभी रास्ते नहीं है ये, आप, मैं ऐसा बोल रहा नहीं, आपका लोक प्रधान का कैमरा ले जाके देखो। तो हर 5 साल में जब इलेक्शन आते हैं तो इलेक्शन लड़ने के जो मुद्दे रहते हैं कारपोरेटर के लिए, एक इलेक्ट्रिकल मसला रहता है स्ट्रीट लाइट का, उसके अलावा ड्रेनेज लाइन रहता है, उसके अलावा रहता है पानी का मसला, पीने वाले पानी का मसला, उसके बाद जो रहते हैं रास्ते नालियां। मैं भी इसी की बात कर रहा हूं, ये अभी तक हमारे को मिल रहा नहीं सीधा। आज 20 साल हो रहे, 25 साल हो रहे, तो जिता कर देने वाले भी आप ही लोग हैं ना। जब तक, अभी देखो मेरा एज है 34 35, कुछ फैमिलीज लोड था, मेरे बाप दादा का तो कुछ ऐसा बड़ा व्यापार नहीं है कि वो सब छोड़कर ये करेंगे, लेकिन जब समझ में आया कि अभी हमको हरकत करनी पड़ेगी तो तब से तो अब एक्टिव है। शोएब चौधरी को आने वाले इलेक्शन में जनता जीता कर देगी, ये आपको किस हद तक लगता है? 100% लगता है, क्यों? अच्छा, लोग तंग आ चुके हैं अभी जो नगर सेवक है उनसे। आप जो बता रहे हैं, अब वहां के जो नगर सेवक हैं वहां पर 4 नगर सेवक एमआईएम के जीतकर आ चुके थे, जो कि आज माजी नगर सेवक कहलाते हैं, जिसमें फजल हुंडेकरी है जो आज एमआईएम में है, फिर 3 जो नगर सेवक है वाहिदा शेख, तौफीक शेख और तस्लीमा तस्लीम शेख, शेख। तो ये कहीं ना कहीं राष्ट्रवादी से जुड़े हुए लोग हैं। तो पिछले इलेक्शन में 4 नगर सेवक एमआईएम से जीत हासिल कर चुके थे, सही है। उसमें से 3 नगर सेवक आज राष्ट्रवादी में है, तो वो 3 नगर सेवक में से एक जो नगर सेवक है तौफीक शेख, वो 2 टर्म नगर सेवक रह चुके हैं, और लोगों के जरिए ऐसा मालूम होता है कि वो आज काफी हद तक ताकतवर हैं। उनके साथ में जो अपोजिट थे उनके, जिनका नाम हारून सैयद, हारून सैयद के घर से अबू बकर सैयद इलेक्शन में खड़े रहने वाले हैं, तो आज कहीं ना कहीं दोनों का समझौता हुआ है, तो दोनों साथ में इलेक्शन लड़ने वाले हैं, तो ये दोनों की ताकत कहीं ना कहीं लोगों का ऐसा मानना है कि प्रभाग में ज्यादा। तो आप शोएब चौधरी एमआईएम से ये दोनों को टक्कर देकर जीत हासिल करने की गुंजाइश रखते ऐसा हैं? कुछ नहीं है कि किसी की ताकत ज्यादा है, अगर ताकत ज्यादा होती तो तौफीक भाई शेख एक बार हारते नहीं, हारे हैं, हारून सैयद ने हराया है माजी उप महापौर ने। तो हारून सैयद और तौफीक शेख आज एक प्लेटफॉर्म पर हैं और हाँ, तो लोगों का एक सुनो ना, मेरी बात आगे की सुनो, तो जरूरी नहीं है कि वो ताकतवर है और वो ये है, ये लोगों के दिलों की बात है। और आज के लोग, अभी जो जनरेशन है वो दिमाग वाली है, दिमाग से सोचती है, पता है उनको कि कौन क्या काम करने वाला है। और मुझे लगता है लास्ट टाइम भी एमआईएम की ताकत ने इन सबको जिताया था, तो अभी घोड़ा मैदान सामने है, अभी वो राष्ट्रवादी से आएंगे। अगर हमको इंशाल्लाह चांस मिलता है, मुझे मिलता है, किसी और को मिलता है एमआईएम से चांस, ऐसा जरूरी नहीं है कि मुझे ही दो, एमआईएम से कोई भी लड़ेगा हम उसका साथ देंगे और इंशाल्लाह उसको निवट कर लाने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये चीज है कि कोई ताकत, किसी की ताकत ज्यादा है, किसी की ताकत कम है, वो आप डिसाइड कौन से रेशो पर कर रहे हैं। आप खुद अंदाजा लगाए ना, आप खुद वो प्रभाग में रहते तो हैं, मैं वही आपको बोल रहा कितना ना, कोई मालूम? रेशो ही नहीं है ऐसा उसका नहीं है, कैलकुलेशन का। शोएब चौधरी बोल रहा है कि मैं खुद ताकतवर हूँ, तौफीक शेख बोल रहे हैं कि ये आवाम का जो सर्वे है तो आवाम का सर्वे ये कहता है कि इंसान एमआईएम ताकतवर है वहां पे।
एमआईएम ताकतवर है। तो तीन नगर सेवक उन्होंने आज एमआईएम छोड़ के, तीन नगर सेवक, एक दो नहीं तीन नगर सेवक, उनके कुछ निजी मामला रहे होंगे। तो तीन लोगों की ताकत कहीं ना कहीं जाकर एक मुट्ठी बनने वाली है। अरे मैं वही बोल रहा हूँ ना, अभी आप ये तो तीन नगर सेवकों की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो मैं जब से आपको यही बोल रहा हूँ कि इन्होंने काम नहीं किया, काम नहीं किया, शायद ये वजह रही होगी पार्टी छोड़ने की। काम नहीं किया इसलिए तो लोग बोल रहा, मैं बोल रहा हूँ ना चेंज चाहिए बोलकर। तो ये आने वाले वक्त में जनता फैसला कर रहे हैं, हाँ ये जरूर सब ठीक जरूर। है। और उसके अलावा एक बात ऐसी थी कि अजहर हुंडेकरी वहां से नगर सेवक रह चुके हैं एमआईएम से, और आप भी अपनी इच्छुकता जाहिर करते हैं। तो आने वाले इलेक्शन में अगर प्रभाग ऐसा हो रहा है कि तीन कैंडिडेट का प्रभाग हो रहा है जिसमें दो लेडीज और एक जेंट्स आ रहा है, तो अजहर हुंडेकरी या फिर आप? अगर मुझे पूछेंगे तो मैं ऑब्वियसली मैं खुद ही बोलूंगा मुझे दो, लेकिन पार्टी जिसका फैसला करती है उसके साथ रहेंगे। हाँ बिल्कुल बेशक रहेंगे। फारूक भाई को हमने जबान दी है, इस जबान से मुकर नहीं सकते। आप किसी को भी टिकट दो फारूक भाई, उसका दमखम से फारूक काम भाई ने करेंगे। आपको भी जबान दी है क्या? आपको टिकट दी है? बोले फारूक भाई ने कि टिकट देंगे बोलकर, बोले हैं, बोले बोले हैं तो फिर देंगे वो। अच्छा, और एक बात ऐसी थी कि आने वाले इलेक्शन के वक्त में जो आपने बताया कि नई जिंदगी, सहारा आसरा थोड़ा डेवलप एरिया है, नई जिंदगी पिछड़ा हुआ इलाका जिसको हम कहें, तो उन इलाकों में आपका इलेक्शन लड़ने के मुद्दे क्या रहेंगे? मुद्दे जैसे इंसान की जरूरत है रोटी कपड़ा मकान, बोलता हूँ दुनिया की मैं जरूरत है, तो कौन। इलेक्शन लड़ने के लिए कुछ मुद्दे रहते हैं, जरूरी मुद्दे? हाँ लोगों के जो बेसिक मामलात है वही मुद्दे रहते हैं। अगर ये लोग बेसिक मामलात लोगों के मतलब बेसिक जरूरियात पूरे करते तो हम थोड़ी मैदान में आते, है ना। तो मैं इसके पहला भी और रिपीट कर रहा हूँ, बहुत बार रिपीट कर रहा हूँ, बेसिक पानी, स्ट्रीट लाइट, रास्ते, ड्रेनेज, फिर इसके अलावा अभी मैं बोलता हूँ इसके अलावा क्या है। जब किसी के पास एक मतलब एजुकेटेड, मतलब मैं खुद को ज़्यादा एजुकेटेड वगैरह नहीं, लेकिन एक बंदा अगर पढ़ा लिखा हो तो सोचने लगता है, तो ये इन इस प्रभाग में ना इंडस्ट्रियल स्टेट बोल के एक एरिया आता है। हाँ ये एरिया कैसा है, एमआईडीसी के अंडर कंसिडर होता है। तो ये चार और ये चार तकरीबन आठ नगर सेवक मुस्लिम के इस एरिया से आते हैं, तकरीबन आठ या सात नगर सेवक आते हैं। इन्होंने कभी सोचा नहीं कि हम आठ सात नगर सेवक हैं, बड़ी ताकत बनती है आठ नगर सात नगर सेवक। हम एक कमेटी बनाए, एक हमारी टीम बनाए और पुनः मुंबई में जाके वहां के लोगों को बोले भाई हमारे पास, क्योंकि नई जिंदगी कामगार वर्ग का एरिया वर्ग है का तो हमारे कामगार पास मैन पावर है, हम यहाँ पे ला के कुछ लोगों के लिए, आप कुछ उद्योग लाओ हम आपको मैन पावर प्रोवाइड करते। कभी नहीं सोचा इन्होंने। हम सोचते हैं ना हमको आप दो, हमको चांस दो, इंशाल्लाह लोगों का रोजगार का मसला भी हल करेंगे, कम से कम जितनी अल्लाह ने ताकत दी है वो ताकत से हल करेंगे। क्या किया इन्होंने, ये बस मतलब क्या पुलिस स्टेशन में जाके लोगों के लफड़े छुड़ाए या फिर औरत मरत के लफड़े छुड़ाए तो नेता बन गए। अरे विजन चाहिए आपके पास नेता बनने के लिए, आपके पास एक एम चाहिए हमारे कौम को कैसे आगे लेके जाए, यही है छोटा सा विजन एम जो भी बोलेंगे, या फिर हमारे लोगों की जो बेसिक जरूरियात है उस पर काम करने के लिए। अच्छा, हिंदुस्तान में एमआईएम को लेकर एक सवाल हमेशा पूछता है, बोलो ना। पूछना तो नहीं चाहिए लेकिन पूछना जरूरी भी है और हर किसी से पूछा जाता है ये, तो आपसे भी यही पूछूंगा मैं कि एमआईएम बीजेपी की बी टीम है, ऐसा लोगों का पूरे हिंदुस्तान में ये आवाज गूंजती है, उसके साथ ही साथ सोलापुर में भी गूंजती है ये आवाज। ये कांग्रेस का बनाया हुआ नैरेटिव है या राष्ट्रवादी का, अगर बी टीम होती तो अब शायद राष्ट्रवादी को क्या कहेंगे आप। अजीत पवार साहब बीजेपी में जाके मिले ना रहा तो उनको कुछ बोलेंगे नहीं क्या, बी टीम है क्या, ऐसा कहाँ भी नहीं हुआ। देखो एक चीज है पक्ष या पार्टी, इंडियन भारत की जो राजनीति है
या जो राजनीति करते पक्ष है उनकी ताकत जो है उनका समाज होता है। शिवसेना के लिए उनका वोट बैंक है, बीजेपी के लिए उनका वोट बैंक है, कांग्रेस के लिए उनका वोट बैंक है, इवन आरपीआई के लिए उनका वोट बैंक है, बीएसपी के लिए उनका वोट बैंक है, लेकिन मुसलमानों के लिए क्यों नहीं वोट बैंक अपना? वो क्या जातिवादक पार्टी है? भाजपा की पीटीएम है क्या? बीएसपी, शिवसेना, राष्ट्रवादी, राष्ट्रवादी सबको मालूम है, राष्ट्रवादी मतलब मराठों का ज्यादा बोलबाला है भाजपा की बीटीएम। तो मुसलमानों पर ऐसा क्यों आरोप लगाते बार बार के भाजपा की बीटीएम है, भाजपा या एमआईएम पर? नहीं ऐसा कुछ। इवन बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने, हमारे सदर साहब ने मिंबर रसूल पर खड़ा होकर कहा मुसलमानों के लिए। अब मुसलमानों के लिए बहुत बड़ी बात है कि मैं कसम खा के कहता हूँ कि मैं भाजपा के लिए काम नहीं करता बोलकर, और इससे ज्यादा क्या बोलेंगे? अब ये नैरेटिव है, नैरेटिव है, लोगों ने पैदा किया है, क्योंकि इनके पास से वोट बैंक सारा करा मुसलमानों का। आपने अभी कहा कि राष्ट्रवादी अजीत पवार बीजेपी का साथ दिए, तो राष्ट्रवादी बीजेपी की बी टीम है, बी टीम ने राष्ट्रवादी बीजेपी से है, राष्ट्रवादी साबित बीजेपी है, भाजपा बीजेपी प्लस राष्ट्रवादी कर सकते हैं। अभी। अरे खुला खुला पार्टी पर दिया ना इतना मत। तकरीबन जब राष्ट्रवादी के 54 आमदार निवड़ कर आए, भाजपा के आपस में निवड़ कर आए, अभी 35 के करीब करीब भाजपा के साथ मांडी को मांडी लगाकर बैठ रहे। वो भाजपा जिन्होंने कहा कि बाबरी मस्जिद हमने गिराई, उनके मांडी को मांडी लगा के बैठ रहे ना, फिर मुसलमान किस कैसा वोट डालने का उनको जाकर? कौन बी टीम कैसा हुआ? राष्ट्रवादी हुई कि नहीं हुई? जब आप ये बता रहे कि राष्ट्रवादी बीजेपी की बी टीम है, तो जिस वक्त ये हालात सामने आए, ये डिसीजन हुए, तो उस वक्त तो लोगों ने, एमआईएम के जो लोग हैं, उन्होंने इसका कभी अपोज नहीं किया, कभी सामने आकर बोले नहीं। कौन से मामलात में ये, मतलब अभी जो रिसेंटली हुआ? जो एमआईएम के सोलापुर के प्रवक्ता बोले या फिर जो पदाधिकारी हैं, उन्होंने कभी ये चीज पर आकर बोला नहीं कि राष्ट्रवादी बीजेपी की बी टीम है। एमआईएम के ऊपर तो हजारों बार टिकट इतनी हुई। अभी ऐसा ही है बात, अगर नहीं बोला तो नहीं बोला, हम कम पड़े शायद यहाँ पे सोलापुर की एमआईएम, या मेरे को पता नहीं बोला या नहीं बोला, एक्चुअली मैंने तो नहीं बोला। राष्ट्रवादी का कहीं ना कहीं एमआईएम पर भी दबदबा है, ऐसा क्यों बोल रहे? नहीं कोई आकर सामने बोला नहीं इसके लिए कुछ। ठीक है ना, इसलिए तो एकदम क्लियरली बोल रहा हूँ, अगर दबदबा रहता तो थोड़ी बोलता मैं कि भाजपा और राष्ट्रवादी एक ही पार्टी है बोलकर, बस नाम अलग अलग है दोनों के। हाँ नहीं तो सोलापुर से ना कोई भी नहीं एमआईएम बोला, पता नहीं मेरे को, एक्चुअली मेरे को इसका नॉलेज नहीं, बोल रहा हूँ मैं, बोला या नहीं बोला। नहीं नहीं बोले, हाँ अगर लेकिन नहीं बोला जो तो मैं अभी बोल रहा अभी आप हूँ। पहले शख्स हैं जो एमआईएम के तरफ से राष्ट्रवादी बीजेपी की बी टीम है बोलने वाले। बी टीम या, अरे मैं क्या बोल रहा हूँ, बी टीम नहीं, राष्ट्रवादी बीजेपी है और बीजेपी राष्ट्रवादी, बी टीम कैसा रहता है वो अलग रहती है। अभी इन्हों मतलब डायरेक्टली जाके मिल गए ना अंदर, अभी इनका कुछ पता नहीं है कि इन राष्ट्रवादी रहने वाले हैं या भाजपा। कितने आमदार गए इनके, ऐसा भी रिसेंटली इनके अंदर, तो वो तो मतलब राष्ट्रवादी बीजेपी है, बीजेपी हमारे लिए तो दोनों भी एक ही है। अच्छा, आपका जो नगर सेवक इलेक्शन की जो तैयारी है, आपके पैनल में आप किसको किसको सामने रखेंगे आपके मतलब इलेक्शन के मेरे पैनल पैनल में, हमारे में? पैनल हाँ, में, या आपके आप? एमआईएम के पैनल में प्रभाग 21 नहीं मैं नहीं डिसाइड कर जैसा, सकता ना हाँ ये। नहीं, एक क्या बोलेंगे उसको, रेफरेंस रहता है ना कि वो ये बंदा है, ये बंदी है, ये मेरे साथ में नहीं रहेगी, नहीं वो मैं ये फारूक भाई डिसाइड करेंगे जो फारूक भी। भाई चौधरी साहब। हम आगे बढ़ते हुए रैपिड फायर की तरफ जाएंगे, तो रैपिड फायर में सबसे पहला सवाल हमारा यह है कि आप आइडियल नेता किसको मानेंगे, राहुल गांधी, नरेंद्र मोदी या फिर शरद पवार? एक्चुअली आपने हमारा ऑप्शन ही नहीं दिया इसमें, सब में तो आइडियल असदुद्दीन ओवैसी साहब बचा है। हाँ वो तो आप लेंगे, हमें मालूम था, इसके लिए हमने नहीं लिया। तो इसके बाद ये अगर अगर तीन नामों में से बताइए। किसी को मानना है तो शरद पवार साहब, शरद पवार, समाज के लिए बहुत किया, उनके समाज के लिए भी, उनके तो समाज के वैसा लिए। नेता चाहिए। तो बहरहाल बी टीम के आदमी को ही आपने सिलेक्ट किया है। नहीं आपने पूछा ना कौन, तो होता है अपने अपने दिल में एक बंदा रहता है, मेरा उसके साथ कुछ पर्सनल नहीं है साहब के साथ, तो हाँ उन्होंने समाज के लिए किया है तो किया है। ठीक है शरद पवार साहब। उसके बाद हम लोग आएंगे आमदार की तरफ, आमदार में प्रणीति शिंदे या फिर आपके पार्टी के रह चुके जिन्होंने जीत हासिल नहीं की, फारूक भाई साहब भी, या
या फिर जो दो देशमुख है, इनमें से आप किसको? फारूक शब्द, इनको नजदीक से जानने का मौका मिला, बेहतरीन बंदा है, एक नंबर है, काम के लिए कभी पीछे नहीं हटता है। और फेवरेट आपका महापौर कौन है? महेश अन्नाकोटे, महेश अन्नाकोटे। और फेवरेट नगर से वो किसको बता? आनंद चंदन शिवे, आनंद। क्यों? वो बंदे का काम देखा हूं मैं इसलिए। तो मुसलमान मुस्लिम समाज में इतने नगर सेवक बने, इतने नगर सेवक आए और गए, तो मुस्लिम नगर सेवकों का आपको काम कभी नजर नहीं आया? आपने आनंद चंदन शिवे को ही सिलेक्ट? नहीं, इसमें मुस्लिम और नॉन मुस्लिम कुछ नहीं है। आपने पूछा फेवरेट नगर सेवक कौन, इन बेसिस काम पर मैं तोला उनको, तो मैं देखता हूँ कॉर्पोरेशन में उनका दबदबा, हाँ वही ना, काम कॉर्पोरेशन में प्रशासकीय अधिकारों पर उनका दबदबा देखता हूँ और काम करने की स्टाइल देखता हूँ, तो पसंद आया मेरे को आनंद चंदन शिव साहब का। रफीक अतुरे साहब का भी काम अच्छा था, नालवन खाजा दरबार, नालवन शायद मैं उनको जान नहीं पाया फिर। तो फिर आज के वक्त में कोई मुस्लिम नगर सेवक आपके नजर में अच्छा नहीं है? मेरे ससुर थे ना, मैं जिनको देखा, मैं 10 साल से देखता हूँ उनको, अच्छे नगर सेवक। सुबह मोट के 6 बजे तो उनका रूटीन चालू होता हाँ था। वही मैं बोल रहा हूँ, फिर अहमद शेख की बात कर रहा हूँ मैं, वो भी नगर सेवक थे, उनका नाम नहीं लिया आपने। नहीं, आपने बोला ना, अभी थोड़ी मेरे ससुर है बोलकर मैं उनका नाम लूंगा। आपने बोला फेवरेट, तो मेरे को अभी हर एक का अपना अपना एक फेवरेट होता है, तो मेरे को अच्छा लगा आनंद अरे बात चंदन ऐसी शिवन रहती साहब है, जब चैनल पर हम लोग बात कर रहे हैं, इंटरव्यू दे रहे हैं, तो अपने अपने बंदों को प्रमोट कर दी, तो आपने वो नहीं किया। का। नहीं, वैसा कुछ नहीं है, प्रमोट करने का मामला सच्चाई के साथ बता रहा हूँ कि उनका काम, उनका प्रशासकीय अधिकारों पर दबदबा और उनके एरिया का काम, उनके एरिया में निधि लाने का काम उनका, वो देखा मैं, तो अच्छा लगा आपने मेरे को। हाँ, जहां पर मैंने एमएलए के साथ तालुक से क्वेश्चन किया, तो आपने फारूक शांति साहब का नाम लिया। तो अभी कुछ ही दिन पहले मसला ऐसा भी खड़ा हो गया था कि फारूक शांति के ऊपर टिकट इतनी काफी हुई, वो तो 8-10 दिन सोलापुर के लिए आते हैं, 20-25 दिन में एक मरतबा आते हैं, महीने में एक मरतबा आते हैं, उनका काम नहीं है, उनका ध्यान नहीं है सोलापुर में। नहीं, ध्यान तो भरपूर है सोलापुर में, आते नहीं आते मतलब, फिर क्या सोलापुर में राजकरण को अपना धंधा बना के तोड़ी मारी करके इससे के पैसे कमाए क्या, हो क्या करे क्या, 2 नंबर धंधे चालू करे सोलापुर में। मुंबई में रहते सबको पता है उनका बिजनेस है मुंबई में, हमको पसंद ही इसलिए है कि वो बंदा नेक है, उसकी कमाई हलाल है। पिछले 2 महीने, महीने 2 महीने में जितना एमआईएम ने काम किया है शायद ही किसी ने किया है, जितना एमआईएम की पार्टियों ने मीटिंग ली है अपने मेंबर्स की शायद ही किसी ने ली है। ये लोगों ने जानबूझकर फैलावाया है कि इनके अच्छाई से डर कर, अरे वो आते नहीं है, इनके पास दूसरी कोई बात नहीं है ना बोलने के लिए, अरे ऐसा है वैसा, तो ये कौन सा है। मुंबई में रहते, मुंबई में सर हर महीने को 5-6 दिन तो सोलापुर में रहते हैं, मीटिंग्स लेते हैं हर रोज, या 2 दिन में एक बार, 3 दिन में एक बार फोन करके अपडेट लेते। अभी वो नहीं रहते तो क्या हुआ, हमारे जैसे उनके टीम मेंबर है ना, उनके सिपाही काम करने के लिए, हम तो काम कर रहे हैं, फारूक भाई शाब्दी के पीछे रख कर ही काम कर रहे हैं ना, यही चीज है। और दूसरा एक सवाल, आए दिन जो है, अभी जैसा राष्ट्रवादी ने बीजेपी के साथ मिलकर गवर्नमेंट बनाई, उप मुख्यमंत्री बने अजीत पवार, तो यहाँ से कई एक लोगों ने ऐसा दावा किया कि मुस्लिम समाज राष्ट्रवादी के साथ में है, तो मुस्लिम समाज का कौन सा तबका कुछ राष्ट्रवादी के नहीं, साथ में है, थोड़ा आप कुछ बता नहीं, सकते ऐसा हैं? ऐसा कुछ नहीं है। कुछ लोग समाज के नाम पर अपनी अपनी रोटियां सेक रहे हैं, कौन सी राष्ट्रवादी और कौन से साहब। वो राष्ट्रवादी जिन्होंने ट्रिपल तलाक के मुद्दे पर भाजपा को साथ दिया, या वो राष्ट्रवादी जिनका माइनॉरिटी अध्यक्ष, मैं राष्ट्रवादी में रहा हूं, जिनके माइनॉरिटी अध्यक्ष को ये स्टेज पर बिठाने से कतराते, इनका माइनॉरिटी अध्यक्ष अगर कुछ प्रोग्राम रहा तो नीचे बैठता जाके, कौन से राष्ट्रवादी। लोगों को अक्कल है भी, लोग समझ रहे कौन अपने साथ दूजा भाव कर रहा, तो कोई समाज वमाज किसी के पीछे नहीं है, सब समाज एमआईएम के साथ है जो समाज की आवाज उठाता है। तो फिर ये जो दावे कर रही है झूठे बोल दावे रहा कर ना, रही है, अपनी अपनी रोटियां सेक रहे हैं सब लोग। तो आप अपने प्रभाग 21 की जनता को हमारे चैनल के माध्यम से क्या कहना चाहेंगे? यही कहना चाहेंगे कि अभी तक बहुत ज्यादा हमने सहन किया है, अब सहन मत करो, अभी हमको चेंज लाना है, ऐसा चेंज लाना है कि वो चेंज लाने के बाद हम हमारे बेसिक जरूरियात
हम हमारी बेसिक जो जरूरत है, साफ पानी, रास्ते, ड्रेनेज लाइन, घरों में पानी नहीं आना चाहिए, उसके अलावा हमको थोड़ा बहुत रोजगार भी मिलना चाहिए, हमारे वहाँ पे हमारे जो आरोग्य के मामले हैं वो सीधे होने चाहिए, ये सब सीधे होने के लिए चेंज करो, आदमी चेंज करो, कैंडिडेट चेंज करो, कैंडिडेट कैंडिडेट चेंज करो, और अपनी मतलब जो एक पढ़े लिखे उम्मीदवार को चांस दो। तो हम ऐसी उम्मीद करते हैं कि नई जिंदगी प्रभाग 21 की जनता आपका साथ देगी, आपको जिताने में मदद करेगी। लोक प्रधान की तरफ से आपको हम शुभेच्छा देते हैं, आप हमारे लोक प्रधान के स्टूडियो में तशरीफ लाए, अपने ख्यालात का इजहार किया जनता के सामने। लोक प्रधान आपका शुक्रगुजार है। जय हिंद।